हलचल इंडिया, मेरी यानी विनीता के साथ आई दिखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले दबंगों एवं माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दबंगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर घरों को ढहाना शुरू कर दिया गया है। इसी तारतम्य में झाबुआ जिले के ग्राम पिपड़ीपाड़ा में शिवराज का बुलडोजर चला। ग्राम पिपड़ीपाड़ा के दबंग विशाल नीनामा द्वारा एक लड़की से छेड़छाड़ करना और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर मकान बनाया गया था, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मकान पर बुलडोजर चलाया गया। ग्राम पिपड़ीपाड़ा निवासी विशाल नीनामा ने अवैध अतिक्रमण कर रखे थे। वहीं यहां बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही विशाल नीनामा ने एक लड़की से छेड़छाड़ की थी और आरोपी अभी भी जेल में बंद है। आरोपी की बहन कह रही है कि मेरे भाई ने किसी लड़की से छेड़छाड़ नहीं की थी, वो अभी जेल में बंद है, फिर भी हमारे घर तोड़ दिया गया, जबकि जिले में और ऐसे कई घर हैं, वह भी टूटना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महिला के खिलाफ संदिग्ध आरोपी हैं और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, इसीलिए मकान तोड़ा गया। सीएम साहब के निर्देशानुसार महिलाओं के खिलाफ जो भी संदिग्ध आरोपी हैं, उनके शासकीय मकान से अतिक्रमण तोड़े गए हैं। शासकीय भूमि में अतिक्रमण था। भाई ने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करी थी ना, तो पुलिस ने बताया कि आपके भाई का वारंट है, तो उसको हमने पेश भी कर दिया है ना, परसों पेश करा। उसके बाद भी पुलिस वालों ने हमको 5 दिन का भी टाइम नहीं दिया, वो सीधा हमारा घर तोड़ने के लिए आ गए और घर भी तोड़ दिया है ना। तो जबकि जिले के अंदर 31 घर है, तो सभी घर टूटना चाहिए। अब वो हमारे घर से उन्होंने शुरुआत की, जबकि हमारा इतना बड़ा कांड भी था। उसके बाद भी क्या मतलब, आज के बाद जिले में कुछ भी कांड दूसरा नहीं होगा क्या? जो सब कुछ हाथ से बात सब सोल तो होने वाला है ही नहीं कैसे कर तक। तो जितने भी घर है 2 दिन के अंदर सारे घर टूटने चाहिए। बस जेल में है, उसको 3 दिन हो चुके, 1 दिन थाने में रहा और 2 दिन उसको जेल में हो गए।